अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बड़ी अच्छी सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। यूपी सहारनपुर के मशहूर पाए, यहाँ के बहुत फेमस पाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं यहाँ पर। आप भी ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर शेयर करें औरों से भी, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं बीफ पाया। इसके लिए हमने दो पाए लिए हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। बहुत ही देखो, आपको खुद भी दिख रहे होंगे कि कितने क्लीन और कितने वाइट हो रहे हैं एकदम। अब इसको हम बॉयल करेंगे। इसे हम एक कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम कम से कम एक लीटर पानी, और बीच में खोल के हमें फिर चेक करना है। फिर थोड़ा सा और पानी डाल दिया, अगर कम लगा हमको अभी थोड़ा और डालेंगे हम। ये लहसुन है, आपको देखने में ये प्याज लग रहा होगा पर ये लहसुन ही है। चाहे तो आप ऐसा लहसुन ले लें, चाहे ये ले लें। ये मैं इसमें डाल ली हूँ। ये दो अदरक के टुकड़े हैं 1 इंच के। नमक डाल ली हूँ 2 टेबल स्पून। डालेंगे और इसको हम खोल कर ही पकाएंगे। अभी इसको अब अभी बॉयल आने तक, एक बॉयल आ जाए उस तक हम इसको खोल कर ही पकाएंगे। इसके ऊपर जो झाग आएगा और ब्लैक सा पानी आएगा वो थोड़ा सा हमें चम्मच से ये हमें करीब 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा पीसना है और इसको भूनने के लिए। और ये मैंने लहसुन लिया, ये भी लहसुन ही है मेरे पास, ये भी था और ये भी था, मैंने दोनों तरह का ले लिया है। काम दोनों का एक ही है, चाहे तो कैसा भी ले सकते हैं आप। 2 बड़ी इलायची ली है, आधा इंच मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा। अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इसे बारीक काट लेंगे ताकि आसानी से पिस जाए ऐसे। प्याज लिए, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। इनका हमें वाइट पेस्ट बनाना है। इसको हमें बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि डार्क ब्राउन से कोरमा बनाया जाता है। कोरमा हमें नहीं बनाना है, हमें शोरबा बनाना है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तोड़ना है, फिर उसके बाद हम कुकर बंद करेंगे। देखो झाग भी इसका कितना क्लीन, अगर काला काला झाग आता है तो उसको निकाल देते हैं और इसका पानी भी निकालते हैं। एक बार इसको बॉयल किया, फिर उसका पानी फेंका, फिर दोबारा से इसमें पानी डाला, लेकिन उसमें यह कि तरी आधे से ज़्यादा बह जाती है, इसलिए कम लोग इसको निकालते हैं। और अगर आपको सही लगता है ये तरीका तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे, क्योंकि पहले ये उबलना शुरू हो जाता अगर हम इसको एक बार बॉयल ना करते। अगर इसके ऊपर कोई काला पानी वो झाग आती है तो उसको भी उतार देते हैं। और मैंने इसको बॉयल कर दिया है, एक बार खद्दा आ गया इसके अंदर, तो इसलिए हम इसका ढक्कन लगाएंगे ताकि हमारा सीटी के जरिए से फिर बाहर ना आए। देखते हैं पाए गल गए हैं। बिल्कुल हमारे गाय पाए देखो बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं, बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं माशाल्लाह। मैंने इसमें 2 गिलास पानी के बीच में डाला था और मैंने ये कचरी पाउडर भी डाला था। मैं इसको आपको दिखाना भूल गई थी। ये आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इससे ये इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारा गोश्त है बहुत जल्दी गल जाता है। मैंने 1 चम्मच ये भर के इसमें डाला था। दो प्याज का हमने ये पेस्ट बना लिया है, और ये मैंने जो दिखाए थे आपको ज़ीरा वगैरह, ये लहसुन सब चीज़ें मिक्स मैंने आप दिखा चुकी हूँ, उसका ही मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हमको ये डालना है। हमारा घी गर्म हो चुका है, कस्टर्ड ऑयल डालना है 4 बड़े चम्मच। अब ये गर्म हो गया तो हम डालेंगे इसमें, पहले हम अपना प्याज तल के निकाल लेते हैं। बस हमें इतना ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। देखो बिल्कुल हल्का हल्का सा ये गोल्डन नहीं हुए हैं अभी,
हम इनको निकाल लेंगे। आज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, गोल्डन नहीं किया, गोल्डन नहीं करना है क्योंकि गोल्डन कोरमे में डाला जाता है। अब हम इसको पीस लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, दो बड़ी इलायची, ये पीपली है, चार छोटी इलायची है, 1 टीस्पून जो है जीरा है। प्याज का मसाला बनाया है, ये भी डाल दिया है। फिर गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया था, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, टेबल स्पून धनिया डाल रहे हैं। धनिया ज़्यादा ना डालें, इससे सब्जी का टेस्ट खराब हो सकता है। मैं डाली हूँ 1 टेबल स्पून, भर के नहीं डाली हूँ मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। नमक हमारे पाए में भी है, बस थोड़ा सा ग्रेवी के लिए डाल रहे हैं। हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही। दही से इसका बैलेंस बहुत अच्छा आएगा क्योंकि प्याज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और धनिया हम लोग कम डालते हैं, तो इससे बहुत अच्छा बनता है। और देखो इसका टेस्ट तो अच्छा हो गई, तो इसका देखने में भी लुक बहुत ही अच्छा आएगा। दही को बहुत अच्छे से फेंट कर डालें और धीमी आंच पर ही डालें, नहीं तो आपकी दही फट सकती है। एक बार हम इसको अच्छे से और भून लेंगे। देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया मसाला हमारा। माशाल्लाह से हमारे पाए कितने अच्छे से टेंडर हो गए हैं, बिल्कुल अलग अलग छूट गया है सब कुछ। यखनी अपनी जो हमने पाए की यखनी बनाई है, बस आपको जितना गाढ़ा और पतला रखना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस मेरे को ऐसा ही चाहिए, शोरबा पतला ही हो गया है अच्छे से, ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है, तो मीडियम है। इससे ज़्यादा आप पतला कर सकते हैं, चाहे तो इससे ज़्यादा ठीक रख सकते हैं आप। हमारे माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम पिसावा आपके स्पून में करीब इसमें गर्म मसाला छिड़केंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती, कुछ हम गार्निशिंग करेंगे ऊपर से। और चूल्हा करते हैं अपना ऑफ, अब करते हैं डिश आउट। ये माशाल्लाह से हमारे सहारनपुर के फेमस नान और पाए बनकर तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे हैं। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, आप कमेंट ज़रूर करिए।